नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बिल्कुल फटाफट बनने वाली इंस्टेंट चॉकलेट केक शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल 10 मिनट में आज हम बना के रेडी कर लेंगे। आप जब चाहें तब इसे बना सकते हैं। जब भी आपके बच्चे को मन करे केक खाने का, आप फटाफट इसे बना कर रेडी कर सकते हैं। कोई माइक्रोवेव की ज़रूरत नहीं है, कोई मैदा की ज़रूरत नहीं है, कोई एग की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड से केक। तो मैं यहाँ पे ब्राउन ब्रेड ले रही हूँ, आप कोई सा भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। ये एक दिन पुराना ब्रेड है, अगर एक दिन पुराना ब्रेड यूज़ करेंगे ना तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो इससे ज़्यादा अच्छा बनेगा। मैं इसके कॉर्नर्स को हटा दी हूँ। बिल्कुल ये देखिए, मैं पहले भी आपको दिखाई हूँ कैसे कॉर्नर्स को हटाते हैं। मैं यहाँ पे 2 चम्मच कोकोआ पाउडर ले रही हूँ, ये इसलिए अवेलेबल होता है मार्केट में। 1 चम्मच मैं यहाँ पे चीनी का यूज़ करूँगी। मैं 1 चम्मच वनीला एसेंस का यूज़ करूँगी। 1 चम्मच मैं यहाँ पे अमूल बटर का यूज़ करने वाली हूँ। और मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा स्प्रिंकल्स भी है मैं यूज़ करने वाली हूँ, चॉकलेट चिप्स, और आप चाहें तो फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम ले रही हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल चेक हो चुके हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसे मैं किस पे बनाने वाली हूँ। तो एक मैं बड़ा सा कटोरा ले ली हूँ, इस तरह का कोई भी आप कटोरा या बाउल ले लें आप। और इसके ऊपर मैं एक प्लेट है उसको सिल्वर फॉयल से कवर करती हूँ। फ्लैट एक प्लेट था और इसके ऊपर रख दी हूँ। ये देखिए, ये हमारी राउंडिंग प्लेट बनके रेडी हो चुकी है। ईजली अब इस पे आप केक बना सकते हैं, बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पैन में मैं ले ली हूँ बटर, और बटर में मैं डाल दूँगी 1 चम्मच कोकोआ पाउडर, और मैं 1 चम्मच चीनी भी ऐड करती हूँ। और अब मैं डालने वाली हूँ 1/2 कप ऑफ वाटर। अब गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे अच्छे से कर देंगे स्टर। गैस का फ्लेम हमारा लो है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं व्हिप्ड क्रीम में भी कोकोआ पाउडर ऐड करने वाली हूँ। तो ये व्हिप्ड क्रीम में मैं 1 चम्मच बचा हुआ कोकोआ पाउडर ऐड कर दूँगी, ताकि ये चॉकलेट क्रीम बन जाए हमारी। इसे अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ। ये देखिए, ये चॉकलेट वाली व्हिप्ड क्रीम हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। इधर मैं आपको चॉकलेट सिरप भी दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, चॉकलेट सॉस हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर दिए हैं और इसमें मैं डाल दी हूँ 1 चम्मच वनीला एसेंस। अब हम ये राउंडिंग जो हमारी प्लेट है ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देते हैं व्हिप्ड क्रीम पहले, उसके बाद मैं डाल देती हूँ ब्रेक, ताकि ये मूव ना करे। इसके बाद मैं चॉकलेट सॉस इसके ऊपर डालने वाली हूँ जो हमने होममेड बनाया है। बिल्कुल अच्छी तरह से मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी, ताकि सारे साइड्स में अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए, बिल्कुल इस तरह से। इसके बाद मैं इसके ऊपर स्प्रेड करने वाली हूँ, जी हाँ, क्रीम जो हमने व्हिप्ड क्रीम चॉकलेट वाली बनाई है ना, वो मैं अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड कर दूंगी। उसके बाद सेकेंड लेयर के लिए मैं एक और ब्रेड रखूंगी इसके ऊपर। सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, इसके ऊपर मैं वापस से चॉकलेट सॉस डालूंगी, फिर मैं व्हिप्ड क्रीम डाली इसके ऊपर से। इसी तरह मैं 6 लेयर बना कर रेडी कर ली हूँ, ये देखिए इस तरह से। और सारे साइड्स में भी मैंने ये व्हिप्ड क्रीम लगा दी है अच्छी तरह से, ताकि ब्रेड हमें बिल्कुल भी कहीं से भी ना दिखे। अब इसके ऊपर से आप डेकोरेट कर दें, आप चाहें तो फ्रूट से डेकोरेट करें, चेरी से डेकोरेट करें, चॉकलेट से डेकोरेट करें, जैसा भी आपको मन करे। इसे फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। थैंक यू।